सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो इलाहाबाद संगम का बताते हुए शेयर कर रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इलाहाबाद संगम में गंगा नदी से बादल पानी ले जा रहा है। इसी दावे के साथ कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ट्वीट किया, वहीं फेसबुक पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो इसी दावे के साथ साल 2018 से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। क्या है इस वीडियो की असलियत, हम आपको बताते हैं। ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो के एक फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें जून 2018 का पुणे मिरर का ये ट्वीट मिला। ट्वीट के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र में आए टॉर्नेडो का है। पुणे मिरर ने इस घटना के बारे में आर्टिकल भी पब्लिश किया था। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुणे के नजरे बांध के पास रणमाला गांव में 8 जून 2018 को टॉर्नेडो जैसी स्थिति दिखाई दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे दिन यानी 9 जून 2018 को सेंटर फॉर सिटीजन साइंस की 3 सदस्यीय टीम घटना स्थल पर पहुंची थी। टीम ने चश्मदीदों से पूछताछ की और इस घटना के वीडियोस और तस्वीरें भी इकट्ठा की थी। ऑब्जर्वेशन के आधार पर टीम ने प्राथमिक रूप से कहा था कि इस टॉर्नेडो की अवधि लगभग 90 से 120 सेकंड थी। CCS के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जे आर कुलकर्णी ने कहा कि मामले के ऑब्जर्वेशन करने पर हमारी टीम ने निष्कर्ष निकाला कि टॉर्नेडो फुजीता स्केल के मापदंड F0 से F5 की तीव्रता से आगे बढ़ा था। तो जैसा कि आपने देखा, 2018 में पुणे में आए टॉर्नेडो का वीडियो हाल में झूठे दावे के साथ शेयर किया गया कि ये वीडियो इलाहाबाद में संगम से पानी ले जा रहे बादल का है।